सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। वीडियो में हम बात करेंगे चार्ज इन मनी ट्रांसफर के पोर्टल आप फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस पोर्टल को आपको यूज कैसे करना है, ये पोर्टल आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल पर। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पोर्टल को आपको कैसे यूज करना है, यदि आप लोगों को ये पोर्टल चाहिए तो आपको पोर्टल कैसे मिलेगा। सिंपल आपको करना क्या है, गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर देना है एसपे इंडिया। तो मैं फटाफट सर्च कर लेता हूँ। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर लिया हूँ। इसके बाद सिंपल यहाँ से लॉगिन करना है। तो हमारे मोबाइल पे 4 डिजिट का OTP आ चुका है, तो मैं OTP फटाफट फिल कर लेता हूँ। इसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिटेलर आईडी भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साई टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से मैंने रजिस्टर्ड करवाया था। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस पोर्टल में जितने बैलेंस होंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, क्विक पे और इसके बाद तत्काल ट्रांसफ़र। तो यहाँ क्विक पे से भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर तत्काल ट्रांसफ़र से भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है वॉलेट टू वॉलेट। यदि आपके वॉलेट में पेमेंट है, यानी देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि 3607 रुपये हमारे अवेलेबल है। यदि हम किसी और वॉलेट में भी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर से ही आप वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसे हम बैक कर लेते हैं क्योंकि फिलहाल में हमें ट्रांसफर नहीं करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन आ जाता है। सिंपल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इन प्रोग्रेस ट्रांजेक्शन, रिफंड पेंडिंग, इन प्रोग्रेस ट्रांजेक्शन, इसके बाद रिफंड पेंडिंग, कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यदि आप कोई रिचार्ज करते हैं, यदि वो प्रोसेस में रुक जाता है 1 से 2 मिनट के लिए तो यहाँ पर आपको प्रोसेस में दिखा देंगे, या फिर वो ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है तो यहाँ पर पेंडिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ से आप रिफंड भी पेमेंट ले सकते हैं। इसके बाद सिंपल मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट में आपको डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। तो सेकेंड पे क्लिक करेंगे सॉरी, इसके बाद बिजनेस समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मनी ट्रांजेक्शन, रिचार्ज, इसके बाद ऐप, इसके बाद फ्लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप रिचार्ज कर रखे हैं तो यहाँ से आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं जो आपने मनी ट्रांसफ़र या फिर रिचार्ज किया है तो सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं है या फिर पेंडिंग में है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद मनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट है, इसके बाद स्टेटमेंट चेक करना चाह रहे थे यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप चार्जेस चेक कर सकते हैं मनी ट्रांसफर के हमारे कितने पैसे कटते हैं 1000 रुपये का, या फिर आप रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज में आपको कितने परसेंट के कमीशन मिलते हैं। लास्ट में आता है सेटिंग, सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पर देख सकते हैं चेंज पासवर्ड कर सकते हैं या फिर चेंज MPIN अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहे तो एसपे इंडिया पोर्टल के यूज कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। यदि आप ये पोर्टल चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, आप वहां से कॉल कर सकते हैं और वहां से आप पोर्टल ले सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर देना तो आप लोगों को इस पोर्टल लेने में हेल्प कर सकता हूँ, यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में।